जिलाधिकारी के निर्देश का हुआ असर, कार्य में आई तेजी। खेरिया घाट को समतल रूप से बनाने के लिए जेसीबी मशीन लेकर पहुंची सीओ अनुपम। लोक आस्था की महापर्व छठ को लेकर कुरसैला प्रखंड क्षेत्र के दक्षिणी मुरादपुर पंचायत अंतर्गत खेरिया में हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। गंगा स्नान कार्यक्रम के पूर्व जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा एवं पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने खेरिया गंगा घाट का निरीक्षण किया था, जहां स्थिति संतोषप्रद नहीं पाए जाने के बाद अंचल अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि से अविलंब उक्त स्थल पर कार्य करने को लेकर निर्देशित किया था, जिसके बाद बुधवार को अंचलाधिकारी अनुपम कुमारी एक्शन मोड में दिखी। जेसीबी की मदद से खेरिया गंगा घाट पर श्रद्धालुओं के उतरने के लिए फुट स्टेप मिट्टी कटिंग करके बनाया जा रहा है। वहीं जहां गहरा पानी था तथा जहां घाट की स्थिति दलदली थी, उक्त स्थल पर बैरिकेटिंग का कार्य किया जा रहा है एवं खतरे के रूप में लाल निशान भी लगाया जा रहा है। अंचलाधिकारी ने बताया कि एहतियात के तौर पर उक्त स्थल पर एनडीआरएफ की टीम की भी तैनाती की जाएगी। वहीं स्टेशन के समीप ही ड्रॉप गेट बनाकर गाड़ियों का आवागमन रोक दिया जाएगा, ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न न हो तथा सभी घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है और समुचित व्यवस्था हो रहा है। इस दौरान गंगा घाट पर जिला परिषद उमेश यादव एवं कार्य यादव तत्पर दिखे।